नमस्कार, मैं हूं दीपक साहू। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने शख्सियत जिन्होंने किक बॉक्सिंग क्षेत्र में न केवल अपने जिले बल्कि प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। आइए मिलते हैं किक बॉक्सिंग एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के संस्थापक एवं कार्यकारी अध्यक्ष तारकेश मिश्रा जी से। नमस्कार तारकेश जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हम देख रहे हैं कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है न केवल पढ़ाई के क्षेत्र में बल्कि अरे हर क्षेत्र में आगे बढ़े, मतलब अपने बच्चे को पीछे किसी से देखना नहीं चाहते हैं। आज हमारे जब हमारा जो बचपन था वो उस समय का वक्त दूसरा था। उस समय कंपटीशन की भावना उतनी नहीं थी जितनी कंपटीशन की भावना आज है। तो आजकल देख रहे हैं कि किक बॉक्सिंग के क्षेत्र में भी बच्चे काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है, किक बॉक्सिंग के क्षेत्र में आपने कब कदम रखा? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस स्वराज के माध्यम से हमारे खेल को एक मंच दिया। मैं बताना चाहूंगा कि राज्य में हमने किक बॉक्सिंग खेल की शुरुआत सन 2006 से की और 2006 से लगातार आज पर्यंत तक हमारे बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन और सीएमए किक बॉक्सिंग एकेडमी की तरफ से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जिले और प्रदेश को लगातार मेडल दे रहे हैं। किक बॉक्सिंग कैसे खेला जाता है, विस्तार से बताएंगे। किक बॉक्सिंग बेसिकली मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है जिसमें किक्स और पंच के माध्यम से कॉम्बैट स्पोर्ट्स होता है और बहुत ही सेफ्टी गार्ड्स के साथ इस खेल को खेला जाता है। इस खेल के प्रॉपरली दो मुख्य प्रकार हैं, एक मैट इवेंट जिसे ततामी कहते हैं और एक रिंग इवेंट। मैट इवेंट के अंतर्गत पॉइंट फाइटिंग, किक लाइट और लाइट कॉन्टेक्ट के इवेंट होते हैं और रिंग स्पोर्ट्स में फुल कॉन्टेक्ट, लो किक और K1 के इवेंट होते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्म है, म्यूजिकल फॉर्म और क्रिएटिव फॉर्म। इसके अंतर्गत भी जो इनके स्किल्स होते हैं किक बॉक्सिंग के, इसे म्यूजिक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, वो भी एक मेडल इवेंट ही है। अच्छा, बताएंगे कि किस उम्र के बच्चे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी, अभी एज पर ट्रेनिंग तो हम 5 साल से ऊपर के बच्चों को अलाउ करते हैं और एज पर अपने वाको रूल, वाको जो हमारी वर्ल्ड वाइड संस्था है, उसके अनुसार कैडेट, जूनियर और सीनियर वर्ग में ये टूर्नामेंट खेला जाता है। जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किक बॉक्सिंग खेल की क्या स्थिति है? मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले अपन वर्ल्ड वाइड बात करें तो वाको वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे गत ओलंपिक्स में टोक्यो में जनरल बॉडी मीटिंग में फुल मेंबरशिप मिली हुई है। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी खेल संघ को फुल मेंबरशिप मिलना मतलब अगले ओलंपिक्स में उसे मेडल इवेंट में एंट्री मिलती है और पूरा देश, पूरा वर्ल्ड आशान्वित है कि किकबॉक्सिंग इन फ्यूचर ओलंपिक में मेडल इवेंट में आएगा। अगर मैं देश की बात करूँ तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल जी हैं जिनके अथक प्रयास से लगातार 2021 से आज पर्यंत तक के किकबॉक्सिंग खेल को भारत सरकार ने खेल एवं युवा मंत्रालय से मान्यता देके रखी है। 2023 का रिन्यूअल भी बहुत जल्द होने वाला है। और प्रदेश की बात करूं तो हमारे अध्यक्ष छगनलाल मुंद्रा जी हैं, हमारे सेक्रेटरी आकाश गुरुदेवान जी हैं, हम सबकी जो टीम है इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और प्रदेश के ओलंपिक संघ जिसके मुखिया स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने इस खेल को मान्यता देके रखी हुई है। इस खेल की संबद्धता कहाँ कहाँ है? जी, जैसा मैंने अभी ब्रीफ किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कंट्री लेवल पे, नेशन लेवल पे हम बोले तो भारत सरकार युवा मंत्रालय से और राज्य स्तर पर बोले तो हम छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ से। जिला एवं राज्य स्तर पर इस खेल के पीछे मतलब उपलब्धि क्या क्या रही है? जी, जैसा मैं बताना चाहूंगा कि इस खेल को शालेय क्रीड़ा खेलों में भी शामिल किया है, साथ ही साथ इसे विश्वविद्यालय खेलों में भी खेला जाता है। तो जो लगातार हमारे एकेडमी के बच्चे हैं, जिले के बच्चे हैं, प्रदेश के बच्चे हैं, वे न केवल एसोसिएशन और फेडरेशन के टूर्नामेंट में अच्छा कर रहे हैं अपितु व्यक्तिगत खेलों के तौर पे या विश्वविद्यालय स्तर पे और शालेय स्तर पे भी लगातार पदक जीत रहे हैं और काफी अच्छी संख्या में पदक हमारे पास है। इस खेल को लेकर आपका लक्ष्य क्या है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे हर एक खिलाड़ी का ड्रीम होता है ओलंपिक पोडियम पे पहुंचना, अपने राष्ट्र गीत को वर्ल्ड वाइड पूरे देश के, पूरे जो वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज हैं, जो कंपटीटर होते हैं उनके सामने उस राष्ट्र गीत को बजता हुआ सुनना, पूरे वर्ल्ड के खिलाड़ियों को राष्ट्र गीत का सम्मान करने के लिए खड़े होते देखना, हमारा भी यही उद्देश्य है कि इन फ्यूचर जैसे ही ओलंपिक मोमेंट में हमको अवसर मिलता है, हम बिल्कुल चाहें कि हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का कोई ना कोई बच्चा वहां पहुंचे और देश का गौरव बढ़े। जी बिल्कुल तारकेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और सबसे ज़्यादा हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अब हमारे चैनल को अपना समय दिया है। और आइए दर्शकों, आपको कुछ जो बच्चे यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं।
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.